Hello students, welcome back to the fourth session of history, nationalism in Europe. So students, last session में हमने study किया था, ये जो first slide है वो last session का है, हमने देखा था effects of non-cooperation on economic front. So students, हमने देखा था, हमने यहाँ पर foreign goods को totally ban कर दिए थे, उनको bonfires में जला दिए, imports half हो गए, मतलब हमारे Indian जो industries है वो boom कर रही थी यहाँ पर, मतलब Indian industries prosper करने लगी थी, just because we have स्टॉप इम्पोर्टिंग. इम्पोर्ट करना मतलब हमारी कंट्री में बाहर से सामान लाना, क्लियर. तो हमने इम्पोर्टिंग स्टॉप कर दिया, इसलिए हमारे इंडियन प्रोडक्शन जो है, हैंडलूम्स है एक्सेट्रा, ये सब प्रॉस्पर करने लगे. तो इसके पहले स्टूडेंट्स, हमने एनसीएम के पार्टिसिपेशन के बारे में देखा था, फिर एनसीएम के इफेक्ट देखे इकोनॉमिक फ्रंट पे. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एनसीएम, वो क्या होते गया, स्लो डाउन होते गया. ऐसा क्यों हो सकता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है. आप देखोगे इंडिया में डेवलपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था हम बोल सकते हो. लेकिन लेकिन जो ब्रिटिशर्स है, जब वो यहाँ रूल कर रहे थे तो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स लाए थे, क्लियर. अब अगर उनकी यूनिवर्सिटीज को हम बैन कर देंगे, स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्लियर. लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब उनकी यूनिवर्सिटीज या कोर्ट्स में नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ. इंडिया की भी तो कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, बराबर. तो वो एक ही नहीं, वो देखते हैं. तो स्टार्ट में हमने देखा पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनसीएम, सेकेंड हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, दैट इज इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या था, इकोनॉमी रिलेटेड. एंड थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए इमेज, दैट इज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ. फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया था, एंड ये जो है ये काइंड ऑफ हैंडलूम का है, इससे कपड़े वगैरह बन सकते हैं. तो व्हाई एनसीएम, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्लोड डाउन इन सिटीज एंड टाउन्स. अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने फॉरेन क्लॉथ जो है उसको बॉयकॉट कर दिया, मतलब उसको कोई यूज नहीं करेगा. एज वेल एज हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि हमने उनके जो क्लॉथ थे हमारे कंट्री में, ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज में जो क्लॉथ बन के आए थे इंडिया में, बराबर, हमने उसको भी बर्न कर दिया, बड़े बड़े ह्यूज फायर्स में जला दिया स्टूडेंट्स. और हमने क्या कर दिया, जो खादी थी, जो पता गांधी जी बोलते थे कि खादी यूज करनी चाहिए, बिकॉज खादी से क्या होता है स्टूडेंट, खादी के कपड़े बनाने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो खादी यूज इसलिए करना चाहिए ताकि लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है. खादी हमारे कंट्री का है, क्लियर. सो इट इज अ क्लॉथ ऑफ आर कंट्री. तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया था कि खादी यूज करना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है खादी कितना महंगा है, वो बहुत महंगा होता था. मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ जो है, मतलब बोल सकते हो मिल में बहुत लॉट में प्रोड्यूस होता है. आज आपको पता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स के वहां पर है, वहां पर बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है. तो 50-50 रुपीज के कपड़े मिलते हैं, लेकिन खादी 50 रुपए में मिलेगा, नहीं मिलेगा. वो इंडस्ट्री में होता है, वो मशीन्स की हेल्प से होता है, एंड एक साथ लॉट में प्रोडक्शन होता है, इसलिए सस्ता होता है. लेकिन खादी जो वो घर पे वीव किया जाता है, घर पे बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है. तो हमने तो वो मिल प्रोड्यूस क्लॉथ को बॉयकॉट कर दिया बिकॉज ब्रिटेन से आ रहा था. एंड हमने कौन सा खरीदा स्टूडेंट्स, इंडिया में सब लोगों ने खादी खरीदना स्टार्ट किया. लेकिन कितना महंगा है, क्या पुअर पीपल अफोर्ड कर पाएंगे इसे, जरा भी नहीं कर पाएंगे. कितने पैसे ही नहीं लोगों के पास, खादी क्या खरीदेंगे. तो कब तक वो बॉयकॉट करके रखेंगे मिल क्लॉथ को, ज्यादा देर तक नहीं कर सकते स्टूडेंट, बिकॉज पैसे ही नहीं है. खाने के पैसे नहीं रहेंगे तो कपड़े कहाँ से लेंगे. तो उन्होंने क्या किया, वापस खादी को उन्होंने बैन कर दिया, खादी को यूज नहीं कर रहे थे उन लोग, बिकॉज दे डिड नॉट हैव मनी. एंड उन्होंने मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ जो था, जो लॉट में प्रोड्यूस होता था एंड चीप रेट पे बिकता था, उन्होंने वो यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर. एंड सेकेंडली हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो है, करेक्ट, उसको हमने बॉयकॉट कर दिया, मतलब ब्रिटिश के स्कूल्स में नहीं जाते थे, कोर्ट्स में नहीं जाते थे, फिर यूनिवर्सिटीज में नहीं जाते थे. स्टूडेंट्स ने बैन कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे वहां पर. लेकिन ये भी तो एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूशन एक दो थी लेकिन वो भी बहुत स्लो थी, करेक्ट. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, कुछ करेंगे नहीं. टीचर्स भी कितने टाइम तक घर पे बैठेंगे, लॉयर्स कितने टाइम तक प्रैक्टिस रुका के रखेंगे. सो दे स्टार्टेड अगेन गोइंग बैक एंड जॉइनिंग देयर वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस,
फिर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ये सब में वापस उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नॉन कॉपरेशन हमने स्टार्ट तो किया, हमने कॉपरेट नहीं करना स्टार्ट किया, लेकिन हमारी कंट्री में स्लो डेवलपमेंट की वजह से हमें वापस ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक काइंड ऑफ फेलियर बन चुका था। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ बहुत सारे। द फर्स्ट वन, खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। खादी बहुत ज्यादा महंगी थी मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ से, इसकी वजह से जो पुअर पीपल थे कंट्री के वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को मिल्क क्लॉथ को कैसे इग्नोर करेंगे, कपड़े तो चाहिए ना पहनने के लिए, तो वो नहीं इग्नोर कर सकते थे, उन्होंने वापस खरीदना स्टार्ट किया। सिमिलरली सेकेंड रीजन, बॉयकॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम कि हमने रोक तो दिया, हमने शाना बन के बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे आपके वहां पर, लेकिन ये भी प्रॉब्लम बन गया। फॉर मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैज टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन। इंस्टीट्यूशंस इंडिया में सेटअप करनी चाहिए ताकि हम वो उसको यूज करें इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश में ना जाए लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन को तो यूज कर सके, लेकिन ये इतनी सेटअप नहीं हुई थी हमारे यहाँ पर, इसलिए प्रॉब्लम। These were slow to come up, लेकिन बहुत ही कम institutions थी। So students, teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government court. So लोग क्या करने लगे, students सब doctors वगैरह जो भी थे वो सब lawyers अब वापस government court में जाने लगे, schools में students जाने लगे etc. तो वो नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से NCM जो slow down। तो reason लिखना है students आपको 3 mark के लिए पूछेंगे। Next, अब students हम देखेंगे rebellion in the countryside। अब जब non-cooperation movement की बात चल रही है ना students, वही time पे हम देखेंगे तो countryside मतलब गांव खेड़ा होता है ना students, villages में, वहां पर भी non-cooperation के लिए कुछ ना कुछ non-cooperation जो है उसे follow करने के लिए कुछ चीजें की जाती। तो start करते हैं, अब मैं आपको stories बताऊंगी, आप सिर्फ सुनो। रिबेलियन का मतलब होता है एक काइंड ऑफ वॉर जैसे सिचुएशन आ जाती है, मतलब बोल सकते हो कि पीपल जो है, विलेजर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज से, उन लोग बहुत परेशान हैं, तो उन लोग रिबेलियन कर रहे हैं। क्लियर। अब अवध की बात करते हैं, लेट मी टेक यू टू अवध। अवध जो है हम वहां जाएंगे, तो अवध में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एक स्टोरी है जहां पर लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार जो है वो विलेज के, अवध विलेज के जो लैंडलॉर्ड्स तालुकदार है वो बहुत पावरफुल है, करेक्ट। वो क्या हुआ करते थे स्टूडेंट्स, एक जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करते थे एंड वो बहुत बुरे थे। वो क्या करते थे, पेजेंट्स से हाई रेंट मांगते थे एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ टैक्सेस भी मांगते थे, मतलब राज किसका चल रहा था, वो विलेज में अवध में तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स का चल रहा था। आप सिर्फ सुनिएगा, आप रीड बन। तो तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स खुद को राजा समझते थे एंड वो पेजेंट्स बेचारे थे, उन पे रेंट, हाई रेंट मांगते थे उनसे एंड बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस भी मांग करते थे। सेसेस का मतलब टैक्सेस। और क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स, जो पेजेंट्स बेचारे थे उनको बेगार करना पड़ता था। बेगार का मतलब होता है फ्री में काम करना। अब उनको विदाउट एनी पेमेंट उनको फार्म पे काम करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड के उनके घर में काम करना पड़ता था एंड उनको उनके कोई पेमेंट नहीं मिलता था। फिर स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता था कि ये पेजेंट्स ना बेचारे बहुत डर जाते थे, उनको ऐसा लगता था कि अरे आएगा अभी कोई तो लैंडलॉर्ड एंड उनको अपने घर से भगा देगा, बिकॉज देर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेनेंट कौन होता है स्टूडेंट, जो रेंट पे रहता है उसको टेनेंट बोलते हैं। अब बेचारा पेजेंट रेंट भी दे रहा है एंड उसको सिक्योरिटी भी नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि कभी भी आएगा ये लैंडलॉर्ड एंड उसको अपने घर पे से निकाल देगा। ऐसा क्यों होता था स्टूडेंट्स, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड है उसको ऐसे लगता था कि अगर वो लीज्ड लैंड मतलब जो रेंट पे लैंड दी है उस पे ज्यादा देर तक किसी पेजेंट को रहने का मौका मिला तो वो अपना राइट्स जमाएगा वो लैंड पे। क्लियर। मतलब आज हमारे यहाँ पर भी आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, जो रेंटेड बेसिस पे होता है ना उनको 3 साल का अग्रीमेंट ही दिया जाता है, बिकॉज अगर 3 साल से ज्यादा रहे ना तो वो अपना राइट्स जमा सकता है कि ये मेरी लैंड है। इसलिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 साल का अग्रीमेंट रखते हैं, हर 3 इयर्स में रिन्यू करते हैं। क्लियर।
यहाँ पर उनको बेगार करना पड़ता था, फ्री में काम करना पड़ता था उनके फार्म पे, उनके घर पे, एंड सिक्योरिटी भी नहीं थी टेन्योर की। कभी भी क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स उनको अपनी लैंड से निकाल देते थे, एविक्ट कर देते थे, ताकि उन लोग कोई राइट्स ना जमा सके। नाउ अब ये मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये पेजेंट ने अब एक मूवमेंट स्टार्ट किया, स्ट्रगल बोल सकते हो कि, एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की एंड उन्होंने डिमांड रखी। अब बहुत हो गया, अब पेजेंट से सहन नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट रेज किया एंड कुछ डिमांड रखी। द फर्स्ट वॉज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो आप हमसे रेंट लेते हो ना और टैक्सेस लेते हो ना, वो आप क्या करो, कम कर दो। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार अब जो हमको फ्री में काम करवाते हो ना, हम भी इंसान है तो हमसे फ्री में काम मत कराओ, हम नहीं करेंगे, हमको पैसे दो, क्लियर। एंड कहीं कहीं पर स्टूडेंट्स लैंडलॉर्ड्स है ना ऑप्रेस करते थे पेजेंट्स को, ऑप्रेस मतलब डोमिनेट करते थे उनपे, उनपे बहुत अत्याचार करते थे, क्लियर। तो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड को बॉयकॉट कर दो, बराबर, मतलब उनको क्या कर दो, जेल में डाल दो या फिर ऐसा कुछ पनिशमेंट रखो जिससे उन लोग कभी पेजेंट्स को धमकियां ना दे सके या फिर उनके साथ गलत ना करे, क्लियर। तो पेजेंट मूवमेंट जो राइज हुआ था उसने तीन डिमांड रखी। सबसे पहली रेवेन्यू रिडक्शन, जो रेंट मांगते वो कम करो भाई, हम इतना नहीं दे सकते। बेगार अबॉलिश कर दो, अबॉलिश मतलब बैन कर दो, बेगार होना ही नहीं चाहिए, हम क्यों फ्री में काम करें। एंड बॉयकॉट कर दो लैंडलॉर्ड्स को, क्लियर। फिर बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स नाय धोबी बंद ऑर्गेनाइज हुआ, करेक्ट, पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया ताकि लैंडलॉर्ड्स को है ना बार्बर्स, वॉशरमैन ये सब की सर्विसेज ना मिले, वो खुद काम करेंगे, क्लियर। जैसे कि ये क्या करते थे, इन लोग कोई भी पेजेंट को बुलाएंगे, उनसे कपड़े धुलवाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे, बाल कटवाएंगे, ये सब और फ्री में करवाते थे। तो पंचायत ने क्या किया, नाय धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया, मतलब कोई भी, नाई का मतलब क्या होता है, बार्बर, धोबी का मतलब वॉशरमैन, क्लियर। तो नाई धोबी बंद, अब ये सब बैन है, अब कोई भी लैंडलॉर्ड फ्री में बार्बर या वॉशरमैन की सर्विसेज नहीं ले पाएगा। 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने अवध में वो घूमे एंड लोगों से बातें की, उनकी प्रॉब्लम समझने की ट्राई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज है कि ये जो पेजेंट मूवमेंट है ना, उसको लीड कौन कर रहा था, बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे एंड वो इंडेंचर्ड लेबर की तरफ फिजी में काम करके आए थे। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बाबा रामचंद्र जो है वो सन्यासी थे एंड उनको जबरदस्ती फिजी में लेके गए, लेके जाया किया जा रहा था एंड वहां पर उनको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। तो उनका भी पेन ऐसा ही था, तो उन्होंने क्या किया, पेजेंट मूवमेंट को लीड किया, सब पेजेंट्स के लीडर बन गए, क्लियर। फिर जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि बाबा रामचंद्र ऐसे सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेजेंट्स को सपोर्ट करके, तो वो भी अवध गए एंड उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स वहां के लोगों से बातें की एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा सेटअप कर दी अक्टूबर में, करेक्ट, एंड इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा चंद्र, रामचंद्र एंड बहुत सारे लोग। फिर यही औध किसान सभा में क्या होता था स्टूडेंट्स, जो पेजेंट्स है उनके लिए बोल सकते हो बहुत ही फैसिलिटीज दी जाती थी, बेनिफिट्स थे उसमें। एक महीने के अंदर 300 ब्रांच सेटअप हो गए विलेज में, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस अवध का स्टोरी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड बीन अर्लियर टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। द मूवमेंट हियर वाज किसके अगेंस्ट था, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, जो क्या डिमांड कर रहे थे, पेजेंट से डिमांड कर रहे थे एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेंट एंड बहुत ज्यादा अलग अलग टैक्सेस। तो पेजेंट्स को क्या करना था स्टूडेंट्स, पेजेंट्स जो है वो उनको बेगार भी करना पड़ता था एंड लैंडलॉर्ड्स के फार्म में विदाउट एनी पेमेंट काम करना पड़ता था। उनको सिक्योरिटी भी नहीं थी एज अ टेनेंट, टेनेंट मतलब रेंट पे रहता है ना जो, उसको टेनेंट बोलते हैं। तो एज अ टेनेंट उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनको डर था कि कभी भी लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, लैंड से उनके राइट्स दे सकता है, क्लियर, मतलब उनको एविक्ट कर सकता है ताकि टेनेंट जो है वो अपना राइट्स ना जमा सके लैंड पे। फिर जो पेजेंट मूवमेंट है उन्होंने तीन डिमांड्स रखी, कौन सी थी, बेगर जो अबॉलिश करो, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड बॉयकॉट ऑफ लैंड। बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स नाय धोबी बंद एस्टैब्लिश किए गए पंचायत के द्वारा एंड वहां पर जो बार्बर एंड वॉशरमैन की सर्विसेज है लैंडलॉर्ड्स को नहीं मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू अवध गए, लोगों से बात की, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश।
उन्होंने आउध किसान सभा सेटअप की एंड फिर उसकी 300 ब्रांचेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अवध के पेजेंट्स के लिए क्या था फ्रीडम, क्या था कि लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार से उनका छुटकारा मिले। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ आया स्टूडेंट, ईस्ट में एक स्टेट है, ईस्ट का एंड स्टेट जो है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं वो अरुणाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का आया स्टूडेंट्स नीचे तेलंगाना, तेलंगाना का हाफ पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश। सो ट्राइबल पेजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुडेम हिल्स मतलब स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना कि माउंटेन्स पे रहते हैं ना, आंध्र प्रदेश में माउंटेन्स है, वहां पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी, आदिवासी जो रहते हैं उनके साथ क्या गलत था हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते थे स्टूडेंट्स, उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से, उन्होंने क्या सोचा अब उनको क्या प्रॉब्लम्स थी वो देखते हैं। तो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वहां पर एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि जो पीपल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनके साथ बहुत गलत चीज की थी स्टूडेंट। क्या किया था फॉरेस्ट में, अब आप देखोगे कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, तो उनका लाइवलीहुड क्या रहेगा, वहां के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मतलब उनका लाइवलीहुड पूरा फॉरेस्ट। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया को एनक्लोज कर दिया एंड उन्होंने क्या किया बैन कर दिया कि कोई भी ट्राइबल जो है वो फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, ना अपने कैटल ग्रेस करवाने जाएगा, ना फ्यूल वुड कलेक्ट करने जाएगा, ना फ्रूट कलेक्ट करने जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनका लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, अफेक्ट हुआ, यस। तो जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो उनको बहुत गुस्सा आया, करेक्ट, बहुत गुस्सा आया बिकॉज उनकी लाइवलीहुड ही नहीं स्टूडेंट्स, उनके राइट्स भी क्या कर दिए थे, उनसे छीन लिए गए थे। उनका राइट था कि उन लोग क्या कर सके, अपने कैटल ग्रेस कर सके या एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट में रहते हुए फॉरेस्ट को यूज कर सके। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बड़े बड़े एरियाज जो थे फॉरेस्ट उसको अपने अंडर ले लिया एंड उनको प्रिवेंट किया एंटरिंग करने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, उनको बोला कि आपको जबरदस्ती फ्री में काम करना है, रोड बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हो आप कुछ भी काम रहेगा कॉलोनियल गवर्नमेंट का, तो उसमें किसको इन्वॉल्व होना है स्टूडेंट्स, लेबरर्स या फिर बोल सकते हो ट्राइबल्स को इन्वॉल्व होना है एंड दैट टू विदाउट एनी वेजेस, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे ये चीज के लिए। तो आप क्या फ्री में काम कर सकते हो किसी के लिए, नहीं, तो ये ट्राइबल्स कैसे काम करेंगे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने मारा मारी स्टार्ट कर दिया, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर आया, फिगर मतलब बोल सकते एक पर्सन, अलूरी सीताराम राजू, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, अलूरी सीताराम राजू। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये गांधी जी का बड़ा फॉलोअर था, मतलब भक्त था। वो क्या बोलता था कि गांधी जी ने बोला है गिव अप कर दो ड्रिंकिंग, तो गिव अप कर दो। गांधी जी ने बोला खादी यूज करो, तो खादी यूज करो। गांधी जी ने बोला नॉन वायलेंस यूज करो, ये तो गलत बोला गांधी जी ने। वो मानता था स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो बोलने से नहीं सुधरेंगे, उनको लात पड़नी चाहिए तब सुधरेंगे, बराबर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, वो गांधी जी के अगेंस्ट गए, सब चीज में गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिशर्स को भगाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वॉयलेंस यूज करना पड़ेगा। वो नॉन वॉयलेंस के अगेंस्ट था अलूरी सीताराम राजू, बोलता है शांति से कोई काम नहीं होता है, मारा मारी कर लेने का, क्लियर। तो यहाँ पर उसने बोला कि हम क्या करेंगे, कैसे भी करके ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हम पे राज करने वाले, बराबर, ट्राइबल्स पे राज करने वाले कौन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनके साथ बहुत बड़ा गुरिल्ला वेयरफेयर करेंगे, मतलब मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसमें हम पत्थर के पीछे छुपेंगे एंड उनको शूट करेंगे, क्लियर, मतलब मारा मारी होगा लिटरली वॉर काइंड ऑफ। अब ये क्या था स्टूडेंट्स, अब ये जो इंटरेस्टिंग फिगर था अलूरी सीताराम राजू, अब इसके पास है ना स्टूडेंट्स, माना जाता था कि इसके पास बहुत सारे पावर, पहला पावर ही कैन सर्वाइव बुलेट शॉट। अब स्टूडेंट ऐसा हो सकता है आप अगर बुलेट जैकेट पहनोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन विदाउट बुलेट जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इस ये सर्वाइव कर सकता था बुलेट शॉट, मतलब कोई गोली मारेगा ना कोई बच जाता था, क्लियर। एंड सेकेंड क्या है स्टूडेंट, कि ये जो है वो प्रेडिक्शन कर सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, मतलब आगे क्या होने वाला है किसकी लाइफ में
तो वो पहले से ही वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे देता था लोगों को. तो लोग उसको क्या मानते थे, स्टूडेंट सेवियर, भगवान मानते थे, इनकार्नेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान ने इसको बनाया है. क्लियर? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, गांधी जी का फॉलोअर है, बोल सकते हो कि बहुत लड़ाई की उन्होंने ट्राइबल्स के लिए आंध्र प्रदेश के. एंड फाइनली बट जब वो मारामारी कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, एग्जीक्यूट करके मार डाला स्टूडेंट. तो ये किसकी स्टोरी थी, आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स जो रहते थे उनकी स्टोरी थी. तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी स्टूडेंट्स, की ब्रिटिशर्स जो है वो उनको अलाउ करे फॉरेस्ट जो उनकी लाइवलीहुड है वहां पर सब कुछ यूज कर, बिकॉज उनका घर ही है. तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं एंड यू जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Kudam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that a conquest could have. अब students यहाँ पर जी guerrilla movement जो है इसका मतलब क्या होता है कि पत्थरों के पीछे छुप के क्या करना, किसी के साथ मारामारी करना. क्लियर? बट स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के जो ये ट्राइबल पेजेंट्स है ना, उसको कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती थी. क्यों? बिकॉज कांग्रेस कभी है ना पुअर पीपल का सपोर्ट नहीं करती थी. कांग्रेस पुअर पीपल का कभी सपोर्ट नहीं करती थी, यहाँ पर वो हमेशा रिच के साथ होते थे. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इनके प्रॉब्लम्स में कांग्रेस क्या मदद कर सकती, तो उसने अपना हाथ पीछे ले लिया. करेक्ट? हियर एज इन फॉरेस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज द कैटल और टू कलेक्ट फ्यूड गुड्स एंड फ्रूट्स. अब यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, हम देखेंगे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया, पीपल को एंटर करने नहीं दिया, ना कैटल ग्रेज करवाने, ना फ्यूल गुड कलेक्ट करने, ना फ्रूट्स कलेक्ट. तो जिसकी वजह से हिल पे जो पीपल रहते थे उनको गुस्सा आ गया. उन्होंने लगा कि सिर्फ उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं हो रही है, मतलब फूड क्लॉथिंग शेल्टर अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उनके राइट्स जो है वो भी डिनाइड किए जा रहे हैं. व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कॉन्ट्रीब्यूट बिगर फॉर रोड बिल्डिंग द हिल पीपल रिवोल्टेड. जब उनको बोला कि आपको क्या करना है, फ्री में काम करना है रोड के काम के लिए, बराबर रोड बनाने के लिए, तो उनको और गुस्सा आ गया कि एक तो हमारा लाइवलीहुड छीन लिया और हमसे जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं. द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज इंटरेस्टिंग फिगर. कौन था देखते हैं. अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. सबसे पहला, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड ही कुड सर्वाइव बुलेट शॉट्स. कैप्टिवेटेड बाय राजू, captivated मतलब students, leader, rebels proclaimed that he was an incarnation of God, मतलब ये किसने बनाया रहा इसको, राजू को भगवान ने बनाया. राजू talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by NCM and persuaded people to wear khadi and give up drinking. उसने बोला कि मैं तो NCM से बहुत खुश हूँ and मैं लोगों को बोलूंगा कि गांधी जी के राह पे चलो, give up कर दो drinking and khadi पहन. बट एट द सेम टाइम उसने क्या बोला कि हम कंट्री को लिबरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस. फोर्स मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, बाय द यूज ऑफ वायलेंस एंड नॉट नॉन वायलेंस, मतलब मारामारी करके ही हम इंडिया को इंडिपेंडेंस. तो गुड्डे में रिबेल्स जो है उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना स्टार्ट किया मारामारी में, ताकि वो स्वराज अचीव कर सके. लेकिन राजू को पकड़ लिया गया, एग्जीक्यूट किया एंड उसको मार डाला स्टूडेंट्स 1924 में. लेकिन वो स्टूडेंट्स सबके दिल में क्या बन गए, हीरो बन गए. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.